मुस्लिमों को हाईकोर्ट ने जमकर फटकारा। महिला सम्मान को लेकर हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात। नहीं पाल सकते बीबी और बच्चे तो दूसरी शादी क्यों? कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवकों की दूसरी शादी को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर व्यक्ति पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल नहीं रख पा रहा है तो उसे दूसरी शादी करने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी बताया कि पहली पत्नी के साथ ये सब क्रूरता है। साथ ही कुरान की आयतों का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि पत्नी और बच्चों के साथ न्याय नहीं कर पाने वालों को दूसरी शादी की इजाज़त है ही नहीं। हाई कोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी देश और समाज तभी सभ्य हो सकता है जब वहां महिलाओं का सम्मान हो। कोर्ट ने इस बात के लिए कुरान की सूरह 4 आयत 3 के हवाले से कहा कि व्यक्ति पत्नी और बच्चों की देखभाल करने में सक्षम नहीं है तो ऐसी सूरत में दूसरी शादी की इजाज़त नहीं होगी। जस्टिस एसपी केसरवानी और राजेंद्र कुमार की पीठ संत कबीर नगर की फैमिली कोर्ट के फैसले को सही करार देते हुए ये फैसला सुनाया है, जहां रहमान नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी को साथ रखने की अपील की। हालांकि पत्नी हमितु सिन्हा ने ये कहा था कि वो साथ नहीं रहना चाहती। कोर्ट ने भी ये कहा कि मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को लेकर आदेश नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने यहां पर कहा कि जब पहली पत्नी और बच्चों का खर्च नहीं उठा सकते तो दूसरी शादी करने से खुद को बचाना चाहिए। बगैर पत्नी की सहमति के दूसरी शादी करना क्रूरता है। अगर अदालत पहली पत्नी को मर्जी के खिलाफ पति के साथ रहने को मजबूर करती है तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमामय जीवन की संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन भी होगा। तो किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम युवकों को फटकार लगाई है, साथ ही बताया है कि अगर पहली पत्नी और बच्चों का ख्याल आप नहीं उठा सकते तो आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें, कुछ दिन पहले ही ट्रिपल तलाक का जो मामला उठा था, जिसके बाद मोदी सरकार ने इस पर अहम फैसला लिया था, कानून बनाया था, जिसके बाद मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिल रहा था। और जो लगातार जो विपक्ष है वो लगातार इस पर सवाल खड़ा करता आया है और इसमें ये कहता आया है कि ट्रिपल तलाक में जो कानून बने हैं ये पुरुषों के हक में नहीं है, लेकिन महिलाओं के हक के लिए बने इन कानून की वजह से ही हमने देखा कि कैसे बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं का वोट बैंक भी मिल गया। अब एक बार फिर से जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है और लोग सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं कि इस पर भी कानून बनना चाहिए और देश में सिविल कोड भी लागू होना चाहिए, इसकी डिमांड की जा रही है। बहरहाल, इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इसके साथ ये भी बताइएगा कि क्या मुस्लिम महिलाओं के हक में इस पर कानून बनना चाहिए? क्या योगी सरकार इस प्रकार का कानून बनाती है तो उसने मुस्लिम महिलाओं का समर्थन मिलेगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।